जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा सुंदर, स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। हम आपको बताते हैं, घरेलू नुस्खों के साथ आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्या से भी लड़ सकते हैं। अपनी जीवन शैली में थोड़े से परिवर्तन करके आप अपनी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेली फैट यानी आपकी बेली के आसपास जमे फैट को आप कैसे कम कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके पेट की चर्बी को कम करने के उपायों के बारे में। पेट में अगर चर्बी जम जाए तो जाने का नाम ले लेते। अगर आप जिम के शौकीन नहीं हैं तो बेली फैट को कम करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जो बेली फैट को कम करने में काफी मददगार हो सकते हैं। नींबू शहद। सुबह उठकर सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ लें, उसमें एक चम्मच शहद मिला दें। इसे रोजाना पिएं, कुछ दिनों में ही फर्क नजर आने लगेगा। अगर आप बेली फैट कम करने के लिए पूरा जोर लगा चुके हैं और पूरी रफ्तार के साथ इस डगर पर आगे बढ़ चुके हैं और पूरा जतन कर रहे हैं, तो बेली फैट को कम करने के दौरान आप ब्रोकली, पत्ता गोभी और बीन्स, इनको बिल्कुल न खाएं, क्योंकि ब्रोकली, पत्ता गोभी और बीन्स ये सब आपके पेट में गैस बनाते हैं जो कि फैट कम करने के दौरान परेशानी का सबब बन सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से लग पड़े हैं बेली फैट को कम करने में, तो इस दौरान ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाएं, लेकिन आलू, कटहल, मेवे और आम ये सब चीजें ना खाएं। ग्रीन टी का नियमित रूप से सेवन करते रहें, इससे आपके वजन कम करने में मदद मिलेगी। वजन घटाना अगर शुरू कर चुके हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, अन्य मीठे तरल पदार्थ पीना छोड़ दें। सिर्फ पानी के अंदर नींबू मिलाकर आप पी सकते हैं, इससे फ्लेवर भी हो जाएगा और विटामिन सी भी आपके शरीर को मिलता रहेगा। अगर आप काफी दिन से उपाय करते आ रहे हैं अपनी बेली के मोटापे को कम करने का, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना ही पड़ेगा और इन बातों को जीवन में उतारना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कभी भी प्राकृतिक रूप से वजन कम करने में सफल नहीं हो सकते, और हमारे हिसाब से प्राकृतिक रूप से ही वजन कम किया जाए तो आपको उससे कोई खतरा नहीं होता। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भविष्य में इस तरह के वीडियोस यूं ही देखते रहें।